एक ऐसी दुनिया का तसव्वुर करो जहां तुम्हारा पीसी विंडोज या लिनक्स नहीं चलता, बल्कि कोई बिल्कुल नया सिस्टम चलाता हो जो किसी टेक जायंट ने सिर्फ इसलिए बनाया हो कि कंप्यूटिंग का सफर दोबारा लिख सके। बिल्कुल सही सुना, हुआवे ने अभी एक बॉम्बशेल फेंक दी है। हार्मोनी ओएस अब उनके नए पीसी पर आ रहा है और ये टेक दुनिया को हिलाकर रख देगा। क्या ये माइक्रोसॉफ्ट के डोमिनेंस का खात्मा है या फिर कंप्यूटिंग का नया दौर शुरू हो रहा है? इस वीडियो में हम इसके बारे में गहरी चर्चा करेंगे कि ये तुम्हारे, मेरे और फ्यूचर कंप्यूटिंग के लिए क्या मतलब रखता है। यकीन करो, तुम इसको मिस नहीं करना चाहोगे। अब इस गेम चेंजर को समझने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाओ, वीडियो को लाइक करो और अपने टेक लविंग दोस्तों के साथ शेयर करो। क्यों? क्योंकि हम पीसी हिस्ट्री के सबसे बड़े बदलाव में से एक को एक्सप्लोर करने वाले हैं और मुझे तुम्हारा साथ चाहिए इस सफर में। द क्वांटम एज में आपका स्वागत है। हुआवे, जो चीन का टेक जायंट है और स्मार्टफोन्स और 5G टेक्नोलॉजी के लिए मशहूर है, सालों से एक क्रांति की तैयारी कर रहा था। यूएस सैंक्शंस की वजह से उन्हें गूगल के एंड्रॉयड और माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज जैसे वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज से रोक दिया गया। मगर हार मानने की बजाय हुआवे ने कहा, ठीक है, हम अपना खुद का सिस्टम बनाएंगे। यहां आता है हार्मोनी ओएस, एक मॉडर्न होम ग्रोन ऑन पायरेटिंग सिस्टम जो चीन में पहले से ही लाखों डिवाइसेस को पावर दे रहा है। और अब मार्च 2025 से यह सिर्फ फोन्स या स्मार्ट वॉचेस तक महदूद नहीं रहा, यह अब आपके पीसी तक पहुंच रहा है। यह कोई अफवाह नहीं, यह सच हो रहा है। हुआवे के नए पीसी जो अप्रैल में लॉन्च होने वाले हैं, विंडोज को छोड़कर बिल्कुल हार्मोनी ओएस और लिनक्स वेरिएंट्स चलाएंगे। ये एक बोल्ड, डेयरिंग और मैं कह सकता हूं जीनियस मूव है। तो यह स्टेप किस वजह से उठाया जा रहा है, यह कैसे काम करेगा और क्या यह असल में माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसे जायंट्स को चैलेंज कर सकता है? आओ इसे डिटेल में समझते हैं। चलो वाई से शुरू करते हैं। हुआवे ने अचानक एक दिन उठकर विंडोज को छोड़ने का फैसला नहीं किया, यह एक सर्वाइवल की कहानी है। 2019 में यूएस ने हुआवे पर सैंक्शंस लगा दिए, उन्हें एंटिटी लिस्ट में डालकर। इसका मतलब था कि अब माइक्रोसॉफ्ट या इंटेल जैसी अमेरिकन कंपनियों के साथ डील्स नहीं हो सकती। हुआवे के विंडोज लाइसेंसेस ये इस महीने मार्च 2025 खत्म हो रहे हैं और रिन्यूअल के चांस कम लग रहे हैं। इसलिए हुआवे के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे, या तो वो धीरे धीरे खामोश हो जाए या फिर लड़ाई करे। उन्होंने दूसरा ऑप्शन चुना और हार्मोनी ओएस उनका हथियार है। पहले 2019 में फोन्स के लिए लॉन्च हुआ हार्मोनी ओएस अब एक पूरा इकोसिस्टम बन चुका है। टीवी से लेकर कार्स तक सबको पावर दे रहा है। 2024 तक चीन के स्मार्टफोन मार्केट में एप्पल के आईओएस को पीछे छोड़ चुका था और अब वो मोमेंटम पीसीज में ला रहा है। ये सिर्फ वेस्ट से कनेक्शंस तोड़ने की बात नहीं है, ये खुद मुख्तारी की बात है। हुआवे अपने कुनपेंग सीपीयू से लेकर हार्मोनी ओएस तक अपने टेक स्टैक पर दावा लगा रहा है डोमिनेंस के लिए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, वो अकेला नहीं है। चीन पूरी कोशिश कर रहा है कि वो टेक में मुकम्मल इंडिपेंडेंस हासिल करे और हुआवे इस जंग का लीडर है। हार्मोनी ओएस पीसी पर कैसा है? तो हार्मोनी ओएस पीसी पर दिखता कैसा है, ये सोचो। एक स्लीक मिनिमलिस्ट इंटरफेस जो मैकओएस और एंड्रॉयड का मिक्स लगे, स्मूथ, फास्ट और क्रॉस डिवाइस हार्मोनी के लिए डिजाइन किया गया। विंडोज से अलग, जो ट्रेडिशनल पीसी के अलावा हर चीज पर भारी महसूस होता है, हार्मोनी ओएस आपके फोन, टैबलेट और अगर हुआवे का बना हो तो स्मार्ट फ्रिज के साथ बेहतरीन सिंक करता है। चीन के बीटा टेस्टर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लाइटवेट है, सेकंड्स में बूट होता है और मल्टीटास्किंग को अच्छी तरह हैंडल करता है। इसका सीक्रेट क्या है? ये माइक्रोकर्नेल आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, लिनक्स कर्नेल पर नहीं जैसा विंडोज अपने हाइब्रिड वर्जन में यूज करता है, बल्कि हुआवे का अपना टेक है जो उनके हार्डवेयर के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। हार्डवेयर की बात करें तो ये नए पीसी हुआवे के कुनपेंग
920 सीपीयू पर चलेंगे, जो एक साथ एनआईएम चिप है और 2.6 गीगाहर्ट्ज़ पर चलता है। न इंटेल, न एएमडी, सिर्फ प्योर हुवावे सिलिकॉन। डीपीसी के लैंग्वेज मॉडल से पावर्ड एआई फीचर्स के साथ हुवावे इसे एआई पीसी कह रहा है। सोचो, स्मार्ट फाइल मैनेजमेंट, रियल टाइम ट्रांसलेशंस और जेस्चर कंट्रोल्स, जो आपको केबल के बगैर फोन पर फाइल्स भेजने देते हैं। ये फ्यूचर है और ये सच है। क्या आप भी मेरे जितने एक्साइटेड हैं? अगर हाँ, तो लाइक बटन को जरूर दबाए। यह वीडियो और टेक फैंस तक पहुंचाने में मदद करेगा। और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो किस बात का इंतजार है? रेड बटन को क्लिक करके हमारे साथ जुड़िए। हमारे पास एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ है। टेक वर्ल्ड का रिएक्शन अभी शुरू हुआ है, चलो इसके इफेक्ट्स की बात करें। टेक वर्ल्ड में हंगामा मचा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट, चीन का पीसी मार्केट का एक बड़ा हिस्सा उनके हाथ से निकल रहा है। हुवावे वहां लाखों पीसी बेचता है और विंडोज के बगैर यह उनके लिए बड़ा नुकसान है। इंटेल भी पसीने में है। कुनपैंग चिप्स का मतलब है कि अब हुवावे के डिवाइसेस में x86 का राज नहीं। वहीं एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग ने भी रिसेंटली माना कि हुवावे का एआई प्रेजेंस हर साल बढ़ रहा है। यह हाइप नहीं, यह सच है। दूसरी तरफ लिनक्स फैंस खुश हैं। हुवावे हार्मोनी ओएस के साथ साथ लिनक्स बेस्ड पीसी भी लॉन्च कर रहा है, जो ओपन सोर्स लवर्स को नेटिव ऑप्शन देता है। लेकिन असल सवाल यह है, क्या हार्मोनी ओएस ग्लोबली कॉम्पीट कर सकता है? चीन में तो यह पक्का गेम चेंजर है। 20,000 से ज्यादा एप्स हार्मोनी ओएस के लिए ऑप्टिमाइज्ड हैं, वीचैट और अलीबाबा जैसी बड़ी कंपनियों के साथ। शंघाई की सरकार भी इसे यूज कर रही है, लेकिन चीन के बाहर गूगल और माइक्रोसॉफ्ट एप्स के बिना मुश्किल है। डेवलपर्स को कन्विंस किए बिना ग्लोबल मार्केट में कॉम्पीट करना टफ होगा। फिर भी हुवावे को कम मत समझो, उन्होंने पहले भी प्रेडिक्शंस को गलत साबित किया है। यह सब क्यों मैटर करता है? बड़ी पिक्चर देखो, ये सिर्फ हुवावे की बात नहीं बल्कि फ्यूचर ऑफ टेक की है। हार्मोनी ओएस पीसी कोई छोटा एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि एल्गोरिथमिक ट्रैक्शन का ब्लूप्रिंट है। हुवावे का इकोसिस्टम ऐसा डिजाइन किया गया है कि आप इसके साथ अटके रहो। आपका फोन पीसी से बात करे, पीसी टीवी से कनेक्ट हो, सब एक ही ओएस पर चले। ये इंटीग्रेशन एप्पल का सपना है और माइक्रोसॉफ्ट सालों से इसके पीछे भाग रहा है। ऊपर से हुवावे का एआई पुश इन पीसीज को स्मार्ट कंपेनियन बना देता है। सोचो, एक पीसी जो आपकी आदतें सीखे, आपके काम प्रिडिक्ट करे और प्रोडक्टिविटी बढ़ाए बिना ज्यादा एफर्ट किए। चीन के लिए यह जियोपॉलिटिकल फ्लेक्स भी है, प्रूफ कि वो वेस्ट के बिना भी इनोवेट कर सकते हैं। और हम कंज्यूमर्स के लिए यह वेकअप कॉल है, पीसी मार्केट अब और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या आप तैयार हैं? लेकिन यह सब इतना आसान भी नहीं है। हार्मोनी ओएस पीसी को कई चैलेंजेस का सामना है। चीन से बाहर ऐप सपोर्ट सबसे बड़ा मसला है। बिना ग्लोबल डेवलपर्स के सपोर्ट के अभी तक यह सिर्फ चीन तक ही लिमिटेड है। परफॉर्मेंस का भी सवाल है। कुनपेंग 920 अच्छा है, लेकिन इंटेल के लेटेस्ट कोर i9 या एएमडी राइजन 9 जितना पावरफुल नहीं। और सच पूछो तो हम में से ज्यादातर लोग विंडोज या मैकओएस के आदि हो चुके हैं। किसी नए सिस्टम पर शिफ्ट होने में हिम्मत चाहिए। फिर भी हुवावे लॉन्ग गेम खेल रहा है। वो पब्लिक बीटा में हार्मोनी ओएस पीसी टेस्ट कर रहे हैं, असली यूजर्स के फीडबैक से इसे बेहतर बना रहे हैं। अप्रैल का लॉन्च खत्मा नहीं बल्कि शुरुआत है। रूमर्स के मुताबिक 2025 में 5 नए हार्मोनी ओएस पावर्ड पीसी मॉडल्स आने वाले हैं और चीन का मार्केट उनके साथ है। उनके पास पैसा और इन्फ्लुएंस दोनों है इसे बार बार अपग्रेड करने के लिए। क्या यह यूएस या यूरोप तक पहुंचेगा? शायद, अगर हुवावे ग्लोबल ऐप प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, वो सैंक्शंस से बचने का तरीका निकाल ले। अगर हुवावे यह दो चीजें कर लेता है तो वह दुनिया भर में एक स्ट्रॉन्ग कंपीटीटर बन सकता है। अभी तो शुरुआत है, देखते हैं आगे क्या होता है। क्या आपको लगता है हार्मोनी ओएस ग्लोबल मार्केट में कॉम्पीट कर पाएगा? अपना ओपिनियन कमेंट में शेयर करें।
हुवावे का हार्मोनी ओएस पीसीज पर आना एक ऐसा अर्थक्वेक है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। यह एक डेयरिंग मूव है, रिस्की है और हो सकता है यह हमारी कंप्यूटिंग की सोच ही बदल दे। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या हुवावे यह कर पाएगा या यह उनके लिए इतना बड़ा जंप है? कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताइए, मैं सबकी पोस्ट्स पढ़ता हूँ। और बताओ अगली वीडियो में तुम क्या देखना चाहोगे, नीचे बताना। सब्सक्राइब करो, शेयर करो और मिलते हैं अगली वीडियो में।